हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यू डी प्रोफाइल आई एम मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर आज की जो वीडियो है इसमें अगर हम कंटेंट की बात करें तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं ए सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में और एडब्ल्यू सिक्योरिटी ग्रुप की हेल्प से हम अपने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे या जो हम नेटवर्क इन्वायरमेंट तैयार करेंगे उस केस में कौन से पोर्ट को अलाउ करना है कौन से पोर्ट को डिनाई करना है ये सारी एक्टिविटी देखेंगे साथ ही साथ एक लैब देखने वाले हैं कि कैसे हम सिक्योरिटी uh, ग्रुप को किसी वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में जा करके उसको सेट करते हैं क्या हमें अलाउ करना है क्या डिनाई करना है वो सारी सेटिंग का लैब हम देखने वाले हैं बट उसके पहले कंफर्म कर लेते हैं कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसका थेटिकल पार्ट मीन्स इसका टास्क क्या होता है और कैसे हम सिक्योरिटी ग्रुप की हेल्प से अपनी वर्चुअल मशीन को सिक्योर करते हैं तो बिल्कुल क्लियर एजेंडा है पहले कोशिश करते हैं समझने की कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है है क्या बेसिकली इसका यूज क्या है रियल इन्वायरमेंट में स्पेशली क्लाउड पोर्टल पे स्पेशली एडब्ल्यू पोर्टल पे तो गैस आई होप यू ऑल ऑफ यू नो किसी भी क्लाउड किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की अगर आप बात करते हो किसी भी नेटवर्क इन्वायरमेंट की बात करते हो तो जो आ, जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब में आप आ, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को कम्युनिकेट कराने के लिए के लॉजिकल पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है आ, और बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप भी हमारा एक तरीके का लॉजिकल फायरवॉल है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर कौन सी सर्विस को अलाउ करना चाहते हैं कौन सी सर्विस को डिनई करना चाहते हैं ये दोनों एक्टिविटी आपकी सिक्योरिटी ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करने की एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं मान लीजिए आपने एक सिस्टम क्रिएट किया एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है पोर्टल के जरिए और हर एक सिस्टम नॉट ओनली द वर्चुअल वर्चुअल मशीन मशीन केवल की बात नहीं है याँ पे याँ पे पे लोकल ऑन जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी दो डिफरेंट तरीके का पोर्ट्स होता है लॉजिकल पोर्ट होता है एक आपका आता है इन बाउंड पोर्ट ठीक है और दूसरा अपने पास आता है आउट बाउंड पोर्ट तो इन बाउंड और आउट बाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है इनबाउंड में टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें तो 65,535 पैंसठ 65 हजार पांच सौ पैंतीस लॉजिकल पोर्ट्स आपके मिलेंगे इनबाउंड में और इतने ही लॉजिकल पोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं किसमें आउटबाउंड के केस में तो टोटल दोनों साइड पे दोनों तरफ हमें 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स आपका इनबाउंड और आउट में अवेलेबल है तो इनमें से जो टेन थाउजेंड लॉजिकल पोर्ट्स हैं वो आपके रिजर्व हैं मीन्स उनके लिए ऑलरेडी प्रोटोकॉल डिसाइड कर किए जा चुके हैं लेकिन टेन थाउजेंड के एब, एब जो लॉजिकल पोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं वो क्या है आप अपने अकॉर्डिंग उनको डिसाइड कर सकते हैं आप उनके अपने अकॉर्डिंग उनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लॉजिकल पोर्ट्स से थोड़ा सा और इसमें कोशिश करते हैं समझने की जैसे हम बात करते हैं आर तो आर क्या है एक लॉजिकल पोर्ट है आर डी पी एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर थ्री थ्री एट नाइन जो पोर्ट लॉजिकल पोर्ट नंबर है थ्री थ्री एट नाइन टास्क परफॉर्म करता है डी एन एस एक प्रोटोकॉल है जिसपे फिफ्टी थ्री प्रोटोकॉल वर्क करता है एस टी टी पी यानी अनसिक्योर आपका जो वेब ब्राउजर है वो आपका एट जीरो पे वर्क करता है एस टी टी पी एस की बात करें तो यू नो दैट फोर फोर थ्री इसी तरीके से एफ टी पी का एक अपना खुद का पोर्ट होगा टेलनेट का एक अपना खुद का पोर्ट होगा राइट हर एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का हर एक प्रोटोकॉल का एक लॉजिकल पोर्ट होगा जिसके जरिए आपका डेटा कम्युनिकेशन होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे बट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो इन बाउंड पोर्ट है या आउट बाउंड पोर्ट है इनकी एक्चुअली में मीनिंग हम कैसे एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं कि जो इन बाउंड पोर्ट है या आउट बाउंड पोर्ट है ये एक्चुअली में टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे मीनिंग नेम के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है टोटली totally डिफरेंट है टोटली totally अपोजिट है इन बाउंड इन देंस इन बाउंड का मतलब ये है कि अगर आप अपने ऑन आप अपने सिस्टम पे वर्चुअल मशीन में कोई भी सर्विस इंस्टॉल करके रखे हैं लाइक like, आपने आई आई एस सर्विस इंस्टॉल कर रखी है ठीक है और इस आई आई एस सर्विस इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर आपने एक छोटी सी वेबसाइट यानी वेबसाइट वेब ब्राउजर के थ्रू आपने आई आई ए सर्विस के थ्रू आपने एक वेबसाइट डबी वेबसाइट होस्ट कर रखी है एंड यू वॉन्ट टू एक्सेस द सेम वेबसाइट आप इसी सेम वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर या किसी दूसरे डिवाइस से इट मे बी कंप्यूटर इट मे बी मोबाइल फोन आ टैबलेट कहीं से भी आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इन बाउंड पोर्ट में पोर्ट नंबर एट जीरो को आपको अटैच करना पड़ेगा ठीक है ना या पोर्ट नंबर फोर फोर थ्री को आपको अटैच करना पड़ेगा जिससे आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड यानी आपके नेटवर्क इन्वामेंट के बाहर भी एक्सेस की जा सके तो इट मीन्स दैट क्लियर है बिल्कुल कि अगर आप अपनी सर्विस को बाहर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इन का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई सिस्टम बाहर अपनी सर्विस को एग्जीक्यूट कर रखा है मान लीजिए यहाँ पे एक एसक्यूएल सर्विस इंस्टॉल है और एसक्यू एल सर्विस को आपको एक्सेस करना है तो उसका जो पोर्ट होगा वन फोर थ्री थ्री वन फोर थ्री थ्री ये लॉजिकल पोर्ट आपको अटैच करना पड़ेगा एसक्यूएल एक्सेस करने के लिए क्योंकि एस क्यूएल अपने पास नहीं है बट आप एस क्यूएल के स्कीमा uh, या टेबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको जो कॉन्फिगर करना पड़ेगा लॉजिकल पोर्ट वो आउटबाउंड साइड पे कॉन्फिगर करना पड़ेगा तो गैस ये अपने पास थी थेटिकल बात अबाउट सिक्योरिटी ग्रुप अब चलिए हम एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको लैब दिखाते हैं कि कैसे आप सिक्योरिटी ग्रुप को मैनेज करेंगे ए डब्ल्यू एस पोर्टल की मशीन के ऊपर तो हमने पहले से ही अपना ये आ, आ, पोर्टल लॉगिन कर रखा है पोर्टल पे हम चलते हैं एक इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था कल की डेट में उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर ये सभी टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं प्रॉपर स्टेप देखते हैं क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करना है अपने ए पोर्टल की वर्चुअल मशीन पे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कोई भी एक आप इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे ठीक है कोई भी एक आप इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे इट मे भी आ, आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर आप इस पर नॉर्मली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं ठीक है नॉर्थ ओरिजिनल लोकेशन पे हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया था विंडोजन ट्वेंटी सिक्सटीन के नाम से और हम इसको एक्सेस करने वाले हैं इसका आर एक्सेस करने वाले हैं ताकि हम आपको प्रैक्टिकल दिखा सकें सिक्योरिटी ग्रुप कैसे टास्क परफॉर्म करता है तो आप इसकी पब्लिक आई एड्रेस के ज़रिए आर टूल के जरिए या आर डाउनलोड करके आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं तो ये अपने पास ए इंस्टेंस है इस ए इंस्टेंस के अंदर हम अपनी पब्लिक आई एड्रेस को कॉपी करके इसको कनेक्ट कराते हैं ठीक है पर्पज़ हमारा यहाँ पे ये है कि हम कैसे सिक्योरिटी ग्रुप को मैनेज करते हैं तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं सिस्टम पे एक आई आई सर्विस इंस्टॉल करते हैं फिर सेम पब्लिक आईपी एड्रेस से कहीं दूसरे सिस्टम से उसको कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं जो हमने अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर एक्सेस की है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अगर कोई सर्विस एग्जीक्यूट करनी है बाहर की तरफ तो इन बाउंड कौन करना पड़ेगा अगर आपको कोई सर्विस एक्सेस करनी है बाहर से तो आपको आउट बाउंड कौन करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी ग्रुप का सिस्टम हमारा टर्न ऑन हो रहा है मेन हम आपको दिखा देते हैं जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा आप उसको राइट साइड ट्रैक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़े मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें से एक है सिक्योरिटी ग्रुप नेम लॉन्च बिजार्ट ट्वेल्व ये अपने पास सिक्योरिटी ग्रुप नेम है जो अपने वर्चुअल मशीन के साथ अटैच किया था बाई डिफॉल्ट ये क्रिएट हुआ था जिसमें सिर्फ अभी यहाँ पे इन बाउंड में एक सिंगल पोर्ट अवेलेबल है वो है आपका थ्री थ्री एट नाइन तो ये कंफर्मेशन हो गई कि अपने पास जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसका नाम है लॉन्च बिजार्ट ट्वेल्व अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी सिक्योरिटी ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आ... थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाएंगे डिटेल्स में और ये आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजा ट्वेल्व आप यहीं से राइट क्लिक करके न्यू पेज पे ओपन कर लेते हैं ताकि एडिट करने में आसानी हो ठीक है सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पे आप देखो तो इन बाउंड और आउट बाउंड जो हमने डिस्कस किया था थेटिकल पार्ट में इन बाउंड में जो पोर्ट नंबर है थ्री थ्री एट नाइन क्योंकि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और आउट बाउंड में सभी पोर्ट अलाउ हैं आप इसमें कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड आपके ऑल ट्रैफिक मतलब जितने भी आपके लॉजिकल पोर्ट्स हैं वो आपके अलाउ कर दिए जा चुके हैं और इससे आप एक्सेस कर सकते हैं चलिए मेन वाइल हम क्या करते हैं ये सिस्टम अपने पास लॉग हो गया है इसमें हम सर्वर मैनेजर पर जाते हैं और सर्वर मैनेजर पे जा करके एक छोटी सी सर्विस आइए ये, ये इसको इंस्टॉल कर देते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को इसमें क्रिएट कर सकें और वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है अपने आउटसाइड ऑफ सिस्टम से मतलब दूसरे नेटवर्क इन्वामेंट में हम इसको एक्सेस कर पाएंगे वर्चुअल मशीन का आरडीपी लेने के बाद हमें क्या करना है सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन करा लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है हमें ऐड रोल्स पे क्योंकि जो आई एस सर्विस है बेसिकली वो रोल्स में अवेलेबल है नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे सिंपल सा स्टेप है आई ए सर्विस इंस्टॉल करने के लिए ओके नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट और ये रोल का भी जार्ट है जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वेब सर्वर आई आई एस राइट जिससे हम एक डमी वेबसाइट क्रिएट कर सकें और उस डमी वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा डिजाइन करके उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन आवर सिक्योरिटी ग्रुप ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है कहीं ना कहीं एक वर्चुअल फायरवॉल की तरह काम करता है और वर्चुअल फायरवॉल के अंदर सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड लॉजिकल पोर्ट्स रहते हैं हर एक पोर्ट की अपनी एक्टिविटी है इन बाउंड आउट बाउंड या फिर जितने भी पोर्ट्स हैं उनकी जो एक्टिविटी जिनका रिजल्ट है सबका सेपरेट है तो पहला जो टास्क है अपने पास वो आई सर्विस को हम इंस्टॉल कर रहे हैं जैसे ही हमारी आई सर्विस इंस्टॉल हो जाती है हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे इसके अंदर लॉजिकल पोर्ट्स को अटैच करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड मीन्स बाहर से पब्लिक नेटवर्क से भी एक्सेस कर पाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें मे बी इट विल टेक अप टू वन आर टू मिनट क्योंकि जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है वो बेसिकली दो जी बी रैम पे है और सर्वर ट्वेंटी सिक्सटीन जो है थोड़ा सा हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट्स वाई ये थोड़ा सा स्लो है तो जैसे हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कि हमारा आई सर्विस तब तक इंस्टॉल हो जाए चलिए आई सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे आप क्लोज करेंगे दिस पी में जाएंगे यानी माई कंप्यूटर में जाएंगे और वहां पे हम एक छोटी सी वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे हमने माई कंप्यूटर विजार्ड ओपन करा लिया है दिस पी एंड हमें यहाँ पे क्लिक करना है सी पे और जब सी ड्राइव पे ओपन करेंगे तो एक फोल्डर आई एन टी पब के नाम से क्रिएट हो जाएगा जो कि आई ए सर्विस इंस्टॉल होने के बाद ही आएगा डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में जाएंगे आई आई सर्विस को आप ओपन विद नोट पैड कर लेंगे ताकि आप एडिटिंग कर सकें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ओपन विद नोट पैड करा लिया है कोई भी एक छोटा सा चेंजेस कर सकते हैं लाइक दिस इज वेब सर्वर ठीक है ये एक तरीके का टेस्ट वेब सर्वर है जो मतलब सिंपल कोई हमने वेबसाइट में एडिटिंग कर दी अब इस पूरे विजार्ट को क्या करेंगे सेव कर लेंगे एवरी थिंग इज ओके अब आपका जो नॉर्मल वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट किया था इंस्टेंस क्रिएट किया था ए डब्ल्यू एस पोर्टल के आ, के की हेल्प से या पोर्टल के थ्रू अब उसमें हमने एक वेबसाइट होस्ट कर दी है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए कि अगर आप इस पब्लिक आई पी एड्रेस को कॉपी करते हो और किसी भी ब्राउजर के ऊपर पेस्ट करते हो तो हमें जो वो वेबसाइट आपने तैयार कर रखी है वो दिखनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं इन बाउंड में हमने पोर्ट नंबर एट जीरो ऐड नहीं किया है तो ये आपको पेज कैन नॉट फाइंड या फिर आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट ये दो डिफरेंट uh, तरीके के एर uh, आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो पोर्ट नंबर है जो इन बाउंड पोर्ट नंबर है उसमें हमें पोर्ट नंबर एट अटैच करना पड़ेगा मैनवली जा करके अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और इवन वी आर अनेबल टू सी अवर चेंजेस जो हमने चेंजेस किया है बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है आप आप जाएंगे यहाँ पर सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टीज़ में इसी बिजार्ट पर और आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है और सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर हमें क्लिक कर देना है ठीक है या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं जो इसका प्रॉपर्टीज़ है सिक्योरिटी ऑप्शन पर जाएंगे और जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है वो लॉन्च बिजार्ट फोर्टीन है क्लिक कर लेते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर लॉन्च बीजार्ट फोर्टीन और ये डायरेक्टली हमें पेज पे उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं इन बाउंड और आउट बाउंड में तो आउट बाउंड में तो टोटल सिक्सटी फाइव थाउजेंड पोर्ट आपके अलाउड हैं लेकिन हमें जो अटैच करना है एक पोर्ट पोर्ट नंबर एट जीरो वो आपके इन बाउंड में ऐड करना है सेलेक्ट करेंगे इन बाउंड एडिट इन बाउंड रोल्स में जाएंगे ऑलरेडी एक पोर्ट अवेलेबल है थ्री का एड रोल्स पर जाइए आप और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एस क्योंकि हमें वेबसाइट होस्ट करनी है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एट जीरो आ गया और कस्टम में जा करके आप एनी कर देंगे ताकि कोई भी सिस्टम को एक्सेस कर सके पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए वो भी पोर्ट नंबर एट जीरो पर सेव कर देंगे सेव करने के बाद एक बार फिर से हम बैक होते हैं अपने ई टू तो इंस्टेंस पे और ई टू तो इंस्टेंस की पब्लिक आई एड्रेस को कॉपी करते हैं कॉपी करने के बाद किसी भी ब्राउज़र के ऊपर किसी भी ब्राउज़र के ऊपर हम इसे पेस्ट कर देते हैं ठीक है अब आप देखिए जैसे ही हमने पे, पोर्ट नंबर एट जीरो को ऐड किया आप देखो दिस इज टेस्ट वेब सर्वर आपका हाईलाइट होने लगा तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ग्रुप एक तरीके का वर्चुअल फायरवॉल की तरह काम कर रहा है जिसकी हेल्प से आप अपनी रिक्वेस्ट को अलाउ कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं तो टोटल तो नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर हम बात करें तो हर एक लॉजिकल कंप्यूटर में हर एक वर्चुअल मशीन में या फिजिकल मशीन में सिक्सटी लॉजिकल पोर्ट्स रहते हैं और उनमें टेन थाउजेंड पोर्ट्स जो हैं वो आपके रिजर्व रहेंगे बाकी जो पोर्ट्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं तो गाइज ये प्रॉपर एजेंडा था आई होप कि आपको सारे स्टेप क्लियर तरीके से कंफर्म uh, हो गए होंगे फिर भी अगर आपका डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर जो भी आपका कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करने के लिए टेक केयर एंड बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक के ऊपर बाय बाय